इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई। मैं रेणु स्वामी, बायोलॉजी टीचर। तो देखिए, हम जो अपना टॉपिक था वो क्या चल रहा था, डिवीज़न चल रहा था। उस डिवीज़न में हमारा माइटोसिस कम्प्लीट हो गया। उसके बाद हमने कौन सा स्टार्ट किया था, मियोसिस डिवीज़न। उसमें हमारा कहाँ तक का पार्ट कम्प्लीट हो गया था, उसके जो आर्शुत्र विभाजन है, मियोसिस डिवीज़न है वो होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये प्रोसेस हो गई थी। इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि जो आर्शुत्र विभाजन फर्स्ट होता है, उस फर्स्ट में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम चार स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो स्टेजेस आएंगी उसमें क्या क्या प्रोसेस होगी, तब जाके एक कोशिका से क्या बनेगी, दो कोशिकाएं बनेंगी, वो प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर देखिए हमने क्या स्टार्ट किया था, जो प्रोसेस फर्स्ट है वो हमने पढ़ ली थी। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक कौन सा होगा वो देखिए, मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया, चारों स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या किसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम प्रोफेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। बट देखिए, जब हमने नेक्स्ट जो स्टेज पढ़ेंगे वो कौन सी आती है, मेटाफेज। कौन सी आएगी, मेटाफेज फर्स्ट। देखिए, मेटाफेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो पिछले जो लास्ट स्टेज थी उसके बारे में थोड़ा सा याद कराना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप अगली चीज जो नेक्स्ट है वो कब समझेंगे, जो थोड़ा सा पीछे का मैटर क्लियर होगा। देखिए, हमने पीछे वाले में क्या पढ़ा था, उसमें कि वो एक प्रोसेस हो गई कौन सी, समसूत्री के जैसे क्या हो जाएगा, केंद्रिका विलुप्त होने लग जाएगी, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लग जाएगी, तारकाय का विभाजन होने लग जाएगा, इसके अलावा जो गुणसूत्र थे उसके अंदर जो संघनन की प्रोसेस थी वो हो जाएगी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी हमने, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, ठीक है। उसमें क्या होंगे, क्रोमेटिड्स वाले जो पार्ट्स है समजात गुणसूत्रों के, वो क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, आदान प्रदान की, उसका उस पे और दूसरे का उस पे, किस पे जुड़ेंगे, लेकिन अपने समजात गुणसूत्र पे उसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे। ये प्रोसेस हुई थी किसके अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। अभी नेक्स्ट हम कौन से स्टेज पढ़ रहे हैं, मेटाफेज। तो देखिए, मेटाफेज के अंदर हमने समसूत्री में क्या पढ़ा था, किसका फॉर्मेशन हुआ था मेन, इसके अंदर मेटाफेजिक प्लेट का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ, मेटाफेजिक प्लेट का। क्योंकि देखिए, इसको जब याद रखने की जो प्रोसेस है वो कैसे रख सकते हैं, मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट का, तो आप इसे याद रख सकते हैं। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेजिक मूवमेंट्स होंगे, इससे आप याद रख सकते हैं। देखिए, अभी ये जो मेटाफेज स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जिसके जो ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं पोल्स वाले पार्ट होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या, हमने जो जिसे जो स्पिंडल फाइबर्स जिनको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, किस किस का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले तो वो देखिए, पोल्स बन जाएंगे, क्योंकि उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, समसूत्री विभाजन में, उसमें देखिए मेटाफेज का डायग्राम कुछ इस तरीके से ही तो था, ये था इसके अंदर, ये ऐसे, ये इस टाइप से क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ऐसे कुछ इसी टाइप का तो डायग्राम हमने पढ़ा था इसके अंदर, है ना। तो ये ऐसे यहाँ पे क्या, इस मीन्स इसका फॉर्मेशन होने लग गया, ध्रुव बन गए, क्योंकि फर्स्ट में क्या हो गया, तारकाय का जो विभाजन हो गया, एस्ट्रल रेज निकलने लग जाएंगे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पोल्स का, यानी कि ध्रुव बन गए। इसके अलावा और क्या बनेगा नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स, तरकु रेशे जिनको हम बोलते हैं, उनका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से स्टेज में हो जाएगा, प्रोफेज स्टेज में, क्योंकि पहले भी इसके अंदर क्या ये प्रोसेस होंगी, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, ध्रुव बनेगा, और क्या बनेंगे, तर्कु तंतु बनेंगे। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसको थ्योरी के हिसाब से बताएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले और इस वाले में, इसलिए इनके अंदर जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट उसके हिसाब से बता दे, ताकि आप थ्योरी में भी लिख सको उन सारी चीजों को,
और आप अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप वो भी कर सको। देखिए सबसे पहले तो क्या बन गए, ध्रुव बनेंगे और तर्क तंतु बनेंगे। इसके अलावा क्या होगा, जो गुणसूत्र थे सबसे पहले हमने क्या लिखा है वर्ड कि मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज स्टेज में कौन से प्लेट लिखी हमने, मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पे आके स्थित हो जाएंगे, वो इस मेटाफेजिक प्लेट पर। क्रोमोसोम्स कहाँ के आके अरेंजमेंट हो जाएगा उनका, कहाँ होगा, मेटाफेज स्टेज है तो मेटाफेजिक प्लेट पर। इस प्लेट पे आके गुणसूत्र स्थित हो जाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी किसके अंदर, जो मेटाफेज प्लेट जो स्टेज होती है उसके अंदर। तो देखिए तर्कु बन गए हैं, ध्रुव बन गए हैं, गुणसूत्र प्लेट पर आ गए। अब क्या होगा कि जो ये जो प्लेट है यानी कि इस पे गुणसूत्र जमा हो गए तो कैसे हो जाएंगे, वो दोनों ओर एक एक ग्रुप्स में दोनों साइड्स कैसे रहेंगे, एक एक समूह बन जाएगा। दोनों साइड कैसे हो जाएंगे, एक एक ग्रुप के अंदर ही जमा हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो दोनों गुणसूत्र बने हैं उनमें क्या हो जाएगा कि उनका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है उस पार्ट में, और कौन सा जो ध्रुव जैसे ध्रुव और भुजा वाला जो पार्ट है उसमें क्या, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे इनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होगा, वो कैसे होगा, वो देखिए कि दोनों गुणसूत्रों के जो सेंट्रोमियर हैं वो सेंट्रोमियर कहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि देखिए हमने मेटाफेजिक प्लेट जो समसूत्री विभाजन में पढ़ी थी तब भी हमने क्या देखा था, किस किस की पोजीशन देखी थी, एक तो सेंट्रोमियर की, ठीक है, दूसरी कौन सी देखी थी, इसकी जो भुजाएं होती है उसकी पोजीशन देखी थी कि इनकी पोजीशन किस टाइप से होती है और कहाँ कहाँ होती है, वो कैसे कि दोनों गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे रहेगा और इसकी जो भुजाएं कहाँ रहेंगी, यहाँ पे ये जो प्लेट है इस प्लेट की ओर स्थित रहेंगे भुजाएं, तो जबकि इसका जो ध्रुव होगा सेंट्रोमियर की साइड कौन सा पार्ट होगा, पोल पार्ट होगा। पोल पार्ट की साइड कौन सा होगा, सेंट्रोमियर होगा, और प्लेट साइड की तरफ कौन सी होगी, इसकी भुजाएं होंगी। तो ये मेन प्रोसेस किसकी होती है, मेटाफेजिक प्लेट की, कि जो मेटाफेज स्टेज होती है उसके अंदर क्या प्रोसेस होगी। तो देखिए आपको यहाँ से अच्छे से याद रख सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट में क्या होगा, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपको लिखवाई है ये आप थ्योरी के लिए भी याद कर सकते हैं, ये आप अगर इनमें से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो भी आप बता सकते हैं। तो ये किसकी स्टेज हो गई, ये हो गई अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की, कौन सी, मेटाफेज फर्स्ट स्टेज। इसके अंदर ये प्रोसेस होती है जो आपको इजीली दिख रही हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट कौन सी आती है इसके अंदर, एनाफेज आती है, कि उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। देखिए फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी नेक्स्ट अपने स्टेज स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हमारी कौन सी हो गई, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, अभी थर्ड कौन सी आती है हमारी, एनाफेज। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, तो कौन सी आती है हमारी स्टेज, आपको जिस टाइम स्टार्ट किया था बताया था कौन सी स्टेज आती है। अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कौन सी है, एनाफेज। एनाफेज पश्चावस्था जिसको बोलते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, झिल्ली विलुप्त हो गई है, तारक काय का विभाजन हो गया है, एस्ट्रल रे से किसका फॉर्मेशन, पोल्स बन गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। अभी इस अवस्था के अंदर जो अगला करेक्टर आता है कि इसके अंदर क्या होगा, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गई, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। क्योंकि देखिए ऐसे ही हमने समसूत्री विभाजन में भी तो पढ़ा था
कि ठीक है अरेंजमेंट हो गया मेटाफेजिक प्लेट पे, उसके बाद विभाजन कैसे, उसके स्टेप्स देखिए। उसके अंदर हमने स्टेप्स देखा था, ये प्रोसेस हो गई तो वो इस टाइप से अरेंज्ड हो गए थे। तो ये अरेंजमेंट किसके कारण था, ये अरेंजमेंट जो सेंट्रोमियर का डिवीजन था उसके कारण था। और यहाँ पे भी क्या हुआ, यही प्रोसेस हुई। अब ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गई, इसके अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर उसका डिवीजन होगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका संकुचन जिसको हम बोलते हैं, वो संकुचन की प्रोसेस होने लग जाएगी। इससे क्या होगा कि जो पूरे का पूरा गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ तक गमन करने लगेगा, ध्रुवों की ओर गमन करने लगेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हो गया, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, संकुचन होगा। किसके बीच में, किसमें होगा संकुचन, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स में क्या हो जाएगा, संकुचन होगा। अब इस संकुचन से क्या हो जाएगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, मूवमेंट होंगे। जब स्पिंडल फाइबर्स के अंदर संकुचन हुआ तो वो मूवमेंट करने लगेंगे, और किधर करेंगे, वो ध्रुवों की तरफ। ध्रुवों की तरफ क्या करने लग जाएंगे, वो गमन करने लग जाएंगे। और जब देखिए, जब जो वो गमन कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, जब जो पूरी प्रोसेस जो गमन कर लेंगे, तो मीन्स अंत में क्या होगा, सबसे लास्ट में कि जो दोनों ध्रुव होते हैं उन पर क्या बन जाएगा, एक एक ग्रुप बन जाएगा। गुणसूत्र चले गए हैं, ठीक है, संकुचन हुआ है, उससे क्या पोल साइड में गमन करे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंड में जो दोनों पोल्स होते हैं उस पे क्या बन जाएगा, एक एक ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप बन जाएगा किससे, जो जैसे स्पिंडल फाइबर्स के अंदर क्या हुआ, संकुचन हुआ, ठीक है, संकुचन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गुणसूत्र क्या करेंगे, ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। और जब ध्रुवों की ओर गमन करने लगे तो क्या प्रोसेस हो जाएगी, दोनों ध्रुवों पर एक एक समूह बन जाएगा। तो ये प्रोसेस किसके अंदर हुई है, मेटाफेज प्लेट के अंदर हुई। अब देखिए, इसके अंदर जो जो एनाफेजिक स्टेज है उसके अंदर हुई है। तो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम जो मेटाफेज पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर जो जैसे भुजाएं होती हैं वो प्लेट की साइड होगी। तो ये सिचुएशन यहीं पे, यानी कि बिल्कुल किससे सेम है, ये समसूत्री विभाजन के, लेकिन कहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये प्रोसेस हो गई। अभी देखिए, नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है वो कौन सी आती है, सबसे लास्ट स्टेज हम कौन सी पढ़ी थी हमने, टीलोफेज स्टेज, किसके अंदर, समसूत्री विभाजन में। तो उस टीलोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है वो प्रोसेस पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, वही प्रोसेस होगी, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होने लग जाएंगे, मूवमेंट्स होने लग जाएंगे। इससे वो कहाँ जाएंगे, ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। किसके कारण हुई ये प्रोसेस, तो तर्कु तंतु उनके संकुचन के कारण। अब देखिए, नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसके बारे में हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है। देखिए, अब ये जो हम स्टेज पढ़ेंगे सबसे लास्ट स्टेज होती है, कौन सी, टीलोफेज, फोर्थ आती है हमारी टीलोफेज। तो देखिए, टीलोफेज के अंदर हमने समसूत्री में क्या पढ़ा, ये एक कोशिका थी, इसके अंदर ये दो पार्ट्स बन गए और इससे फिर क्या बन गई, दो कोशिकाएं बन गई, ठीक है। ये प्रोसेस पढ़ी हमने किसके अंदर, समसूत्री के अंदर। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस होनी है, बट वो कैसे होगी, यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र जिनको हम बोलते हैं, वो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, उनके कुंडलन खुल जाएंगे। उनके कुंडलन क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अब जब उनके कुंडलन खुल जाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल था, यानी कि जो उसको क्रोमेटिन जिसको हम गुणसूत्रीय जाल जिसको बोलते हैं,
तो गुणसूत्र जब खुल गए, देखिए सबसे पहले प्रोफेज में क्या था, कुछ इस टाइप से वो थे, तो पहले तो क्या होता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल से ऐसे प्रेजेंट है तो वो क्या बन गए, गुणसूत्र, छोटे मोटे गुणसूत्रों का निर्माण हो गया। इसमें क्या होगा कि वो गुणसूत्र जब के अंदर क्या हो गया कि जब वो अकुंडलित हो गए तो क्या बन गया, उनसे क्रोमेटिन जाल का निर्माण हो गया। गुणसूत्र खुल गए तो उससे क्या चेंज हो गए, वो क्रोमेटिन जाल में बदल गए। अब देखिए जब वो क्रोमेटिन जाल में बदले तो इसका जो हरेक ध्रुव था, प्रत्येक जो ध्रुव था उस पर क्या हुआ, जैसे फर्स्ट में क्या होने लग गया था, केंद्र झिल्ली विलुप्त हो गई थी, यहां पे क्या होगा कि जो इनके हरेक ध्रुव पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक ध्रुव पे जो क्रोमेटिन जाल है उसकी चारों तरफ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली का, केंद्रिका का, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, जो प्रत्येक पोल होगा, हर एक पोल पे क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन जाल जाएगा, और ये जो बना हुआ क्रोमेटिन जाल है इसके चारों तरफ क्या बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली जिसको हम बोलते हैं, क्या होने लग जाएगा, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लग गया, ठीक है। अब ये बन गए, अब ये जब, और इसके साथ क्या बनेगी, केंद्रिका भी बनेगी। ये बनने से क्या हो जाएगा, प्रत्येक जो ध्रुव है, प्रत्येक ध्रुव पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या चला गया यहाँ पे, एक एक केंद्रक चले गए, एक एक केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियस का तो फॉर्मेशन होगा, बट ये है कैसे, हैप्लोइड, यानी अगुणित केंद्र का, एक एक अगुणित केंद्र का निर्माण हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो जैसे आगे नेक्स्ट कौन सा स्टेप होगा, इसी तरह से क्या हमने क्या पढ़ा था, केंद्रक के विभाजन के बाद हम सूत्र में क्या पढ़ा, कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ा, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब ये प्रोसेस किसके जैसी होगी, ये सेम जो समसूत्री विभाजन होता है उसके जैसी प्रोसेस होगी, और फिर क्या हो जाएगा कि जो प्रत्येक अगुणित कोशिका है उससे क्या बन जाएंगी, प्रत्येक जो हैप्लोइड सेल है, अगुणित कोशिका जिससे बोलते हैं, उससे क्या बन जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, यही मेन प्रोसेस क्या है। हमने आपको जिस टाइम स्टार्टिंग करी उस टाइम बताया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, तो जो यहाँ पे क्या आर्शूत्री विभाजन में चार बनेंगे, फर्स्ट डिवीजन कौन सा था, मियोसिस फर्स्ट, वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है, उन सब के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इससे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपसे यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि क्या प्रोसेस होती है यहाँ पे, और एंड में कैसे एक से दो कोशिकाएं बनती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्र में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, बनने वाली कोशिकाएं कैसे होगी, यहाँ पे अगुणित होगी, और क्या बनी, एक से दो कोशिकाएं बनी। ये तो हुआ है फर्स्ट टाइम डिवीजन। अभी नेक्स्ट इसके बाद कौन सा होगा, दूसरा विभाजन भी होगा, तो उससे क्या बनेंगे, अलग से कोशिकाएं बनेंगी, तो वो प्रोसेस कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।